मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित TMU में MDS कर रही एक स्टूडेंट की संदिग्ध अवस्था में हॉस्टल के कमरे में लटकी मिली बॉडी से हड़कंप मचा हुआ है। स्टूडेंट पड़ोसी जनपद हापुड़ की बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागवाड़ा में दिल्ली रोड स्थित छात्राओं की संदिग्ध मौतों के लिए चर्चित TMU में आज फिर एक बार MDS की छात्रा का शव उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटका मिलने के बाद से यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। स्टूडेंट वैशाली चौधरी हापुड़ जनपद की रहने वाली थी और कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में ही कमरा लेकर रह रही थी। छात्रा की मौत की सूचना पर जब मीडिया कर्मियों ने घटना स्थल पर जाने का प्रयास किया तो TMU प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर ही रोक लगा दी और कई घंटे तक यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने तक नहीं दिया गया। हालांकि मृतक छात्रा का परिवार सूचना मिलने पर पहुंच गया था, जिसे कई घंटे तक कैंपस में ही रोक के रखा गया। बिल्कुल इसी तरह 7-8 साल पूर्व BDS के स्टूडेंट नीरज भडाना की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिसके चलते उसके परिजनों ने TMU के चांसलर सुरेश जैन और उनके बेटे मनीष जैन को आरोपी बनाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसकी जांच CBI द्वारा की गई है। और इस मामले में काफी हल्ला मचने के बाद आखिरकार TMU प्रशासन ने अपनी आधिकारिक PRO डॉक्टर MP सिंह के द्वारा घटना का बयान जारी कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना का खुलासा दोपहर 11:30 बजे के आसपास उनके रूममेट द्वारा किया गया था, जिसकी सूचना थाना पागवाड़ा पुलिस को दी गई और अब पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। वहीं इस घटना की जांच करने की बात कहते हुए SP सिटी अमित कुमार आनंद ने हर पहलू से जांच कराने को कहा है। TMU के डेंटल कॉलेज की MDS की द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया आज सुबह लगभग 11:30 बजे जब किसी काम से डेंटल कॉलेज से हॉस्टल आई और चौथी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरा अंदर से बंद है। तब उसने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु जब दरवाज़ा नहीं खुला तब उसने खिड़की से झांक कर देखा कि उसकी रूममेट वैशाली चौधरी, जो MDS दूसरे वर्ष की छात्रा है, पंखे से लटकी हुई है। उसके बाद उसने चिल्लाया तथा जो हमारी वार्डन मैडम हैं वो वहाँ पर पहुँची। उन्होंने तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत सूचना थाना पागबड़ा को दी। थाना पागबड़ा मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के बाद ही पता। पूरा विश्वविद्यालय परिवार इस दुखी घड़ी में छात्रा के परिवार के साथ है और इस शोकाकुल समय में हम लोग पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति के साथ परिवार के साथ हैं, साथ थे और साथ हैं। TMU कॉलेज में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस और FSA टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया, जहां पे पंखे से लटका हुआ उसका शव बरामद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें तथ्यों के आधार पर शीघ्र विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।